तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24 फोर इंटू में आज की वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चनों का जो कि एम पी एग्जाम में आने की प्रायिकता उसकी ज़्यादा रहेगी तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से आधुनिक इंदौर का निर्माता किसे कहा जाता है तो आधुनिक इंदौर का निर्माता यशवंत राव होलकर द्वितीय को कहा जाता है आज़ादी के समय ये इंदौर के ए, इंदौर में काफ़ी एक्टिव थे उसके अलावा देवी अहिल्या भाई होलकर के बारे में जाने तो देवी अहिल्या भाई होलकर के नाम पर ही इंदौर का एयरपोर्ट का नाम है उसके अलावा इंदौर के बारे में जाने तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे क्लीन सिटी है मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का पाँच बार स्वच्छता अवार्ड जीतने वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो कि इंदौर है उसके अलावा इंदौर वाटर प्लस सिटी है उसके अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक खंडपीठ इंदौर में भी है उसके अलावा इंदौर श्याल नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर में इंदौर ही एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों एक ही शहर में हैं और इंदौर में ही हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहा जाता है तो मूर्तिकला का तीर्थ जैसे खजुराहो को कहा जाता है मूर्तिकला का तीर्थ खजुराहो कहा जाता है अमरकंटक को क्या कहा जाता है तीर्थराज अमरकंटक में कौन अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती हैं तो अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं एक पहली नदी जो कि नर्मदा नदी दूसरी सोन नदी उसके अलावा अमरकंटक कहाँ पे है तो अनूपपुर जिले में अमरकंटक है मांडू महलों की नगरी कहा जाता है तथा तो मछलियाँ भी वहाँ पाई जाती हैं उज्जैन जो कि मंदिरों का नगर और महाकाल का कुंभ मेला उसके अलावा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन कब किया जाएगा तो 2028 में किया जाएगा अगला कुंभ मेला कितने वर्षों पर होता है तो बारह सालों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है तो सिपरा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है बुंदेला विद्रोह के क्षेत्र उनके नायकों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका जो नरहट होता है यह मधुर मधुकर शाह जी ये करेक्ट है चंदेरी मोह मोर प्रहलाद जैतपुरा राजा प्र प्रशिक्षित और हीरा जो कि ढिल्लन सिंह ये गलत है ये ढिल्लन सिंह नहीं होगा बल्कि मदनपुरा हो जाएगा तो ऑप्शन डी जो कि इसका करेक्ट आंसर है जो सुमेलित नहीं है बुंदेला विद्रोह आठ अप्रैल 1842 को हुआ था तो बुंदेला विद्रोह कब हुआ था तो आठ अप्रैल अट्ठारह बयालीस को बुंदेला विद्रोह हुआ था चरण पादुका योजना कब और कहां से शुरू की गई तो चरण पादुका योजना जो कि 19 नवंबर 2000 2018 में पन्ना जिले से शुरू की गई पन्ना वही जगह है जहां पे डायमंड पाया जाता है यानी हीरा पाया जाता है उसके बाद चरण पादुका और संग्रहालय भी यहीं पे है और चरण पादुका में क्या होता है जूते चप्पल वहाँ पर रखे जाते हैं जबलपुर जहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है नर्मदा नदी के किनारे हुए बसा हुआ है लसरौली नहीं ये सिंगरौली है सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कही जाती है यहाँ पर कोयले का कोयले का प्रोडक्शन होता है साथ ही यहाँ पर जो कोयले की क्वालिटी पाई जाती है ये विटामिनस वाला कोयला होता है बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है तो बेतवा का उद्गम स्थान कुमार रायसेन में है तो बेतवा का उद्गम स्थान कुमार रायसेन में है जाना पाँव की पहाड़ी महू इंदौर में चंबल नदी की चंबल नदी का उद्गम होता है और जाना पाँव की पहाड़ी जो होती है महू का सबसे पहले महू के बारे में जानते हैं तो महू वही जगह है जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे तो संविधान सभा निर्मात के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसके बाद आष्टा सीहोर जो कि पार्वती पार्वती मंदिर है वहाँ पे बागली देवास जो कि काली सिंध यहाँ पर बाती है उसके बाद रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया तो गोंडवाना में रानी दुर्गावती ने शासन किया रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पे है तो जबलपुर में है आर डी वी वी उन्नीस छप्पन जबलपुर आर डी वी वी जबलपुर उन्नीस छप्पन में जबलपुर है गोंडवाना में रानी चंदेल रानी गोंडवाना पति दलपति और अकबर की सेनापति असफ खान थे अगर, अ, अगर घाटी के ऊपर देखा जाता है तो पातालकोट के आकार कैसा दिखाई देता है तो घोड़े के नाल जैसा दिखाई देता है पातालकोट छिंदवाड़ा उसके बाद भारिया अटल बिहारी और सतपुरा पातालकोट, भारिया अटल बिहारी और सतपुरा नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए तो वेस्टइंडीज के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लिए नरेंद्र हिरवानी ने 1888 में चेन्नई के डेब्यू मैच में 16 विकेट लिए थे तो अठारह सौ में हुए जो चेन्नई में डेब्यू मैच हुआ था उसमें इन्होंने 16 विकेट लिए थे और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं तो ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं नरेंद्र हिरवानी मध्य प्रदेश के नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर स्थित है तो विजयपुर में स्थित है गुना और उन्नीस में उत्पादन हुआ मध्य प्रदेश गैस पाइपलाइन जो कि गुना से कानपुर तक है जो पाइपलाइन बन रही है एम पी गुना रीवा पाइपलाइन भी बन रही है उसके अलावा तो नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर स्थित है तो विजयपुर जो गुना और गुना में है और इसको बनवा कौन रहा है तो इटली की मदद से बन रही है मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख कौन से हैं जो कर्क रेखा के समीप हैं मध्य प्रदेश के तीन प्रमुख जो कि उज्जैन रतलाम और राजगढ़ जो कि तीन शहर हैं उसके अलावा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है तो चौदह जिलों को टच करती है उसके अलावा कर्क रेखा जो कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है उसके अलावा माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है और कर्क रेखा ग्लोब में क्या होता है तो जैसे कि ये बीच वाली लाइन बिश्वत रेखा हो गई ऊपर और नीचे तो ऊपर तेईस डिग्री हाफ़ जो होता है उसे कर्क रेखा कहते हैं और तेईस डिग्री हाफ जो कि साउथ में होता है उसे मकर रेखा कहते हैं इसे मकर रेखा ऊपर कर्क रेखा बीच में विश्वत रेखा और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव कही जाती है तो तेईस डिग्री हाफ जो कि ऊपर का होता है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं तो कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश के तीन नजदीक जिले उज्जैन रतलाम और राजगढ़ में जाती हैं और मध्य प्रदेश के चौदह जिलों से होकर निकलती है चौदह जिलों से कर्क रेखा निकलती है तेईस डिग्री हाफ उत्तरी अक्षांश में होती है और ये इस तरह से और भोपाल को होते हुए जाती है तो इस तरह हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आज किया डिस्कशन मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से थैंक यू सो मच